पता चला कि 20 दिन तक नहीं आई कॉलेज। तो ऐसे में उसे मतलब पहला होता है ना कि अब कॉलेज में तो बहुत सारी होती है, मतलब क्लास का वेट भी है, मतलब मैंने कि आएगी बोल के नहीं आई, तो वही क्लास तो नहीं आई, मतलब मेरा किसी और के साथ मतलब बन गया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ना ही तो इस बार कोई व्लॉग होने वाला है, ना ही कोई वाइन होने वाला है। इस बार होने वाला है एक वीडियो मेरे क्रश के ऊपर। अरे क्रश तो सबका होता है यार, किसी का सिंगर या किसी का डांसर, किसी का कुछ क्रश ना यार, जो मतलब कॉलेज लाइफ में होना वो एकदम होता है ना कि कुछ अलग ही वो होता है, तो ना वो कुछ वही यार जो समझ रहे हो। तो हाँ, जैसे कि सब लोगों की होती है, मेरे भी थी कॉलेज में, है ना, वो भी साथ में ही पढ़ते थे हम लोग। कॉलेज में पहला दिन था, तब से लेके तकरीबन डेढ़ महीने तक देखा पहले, तो अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि यार ये तो मेरी क्रश है, ऐसा बोला मतलब अंदर से जो होता है ना कि फील आया। क्रश का तो ऐसे जाके आप किसी को नहीं बोल सकते ना कि तुम मेरी क्रश हो या मैं ऐसा ऐसा बोल के, तो नहीं बोल पाया। देखता रहा डेढ़ महीने ऐसा चला गया, तो बीच में क्या हो गया, मतलब बीच में क्या हो गया कि नहीं आई कॉलेज, ठीक है, तकरीबन 15 से लेकर 20 दिन तक नहीं आई कॉलेज। तो ऐसे में उसे मतलब पहला होता है ना कि अब कॉलेज में तो बहुत सारी होती है, मतलब उन्हीं में से एक थी क्रश, वो नहीं आई, तो मतलब उसको मैं लिटरली थोड़ा थोड़ा मैं भूलने लग गया था, मतलब किसी और पे होता है ना कि नज़र पड़ गया था, मतलब ठीक है नज़र पड़ गया, और क्रश का वेट भी किया, मतलब मैंने कि आएगी बोल के नहीं आई, तो वही क्रश तो नहीं आई, मतलब मेरा किसी और के साथ मतलब बन गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कुछ दिन बाद जब क्रश आई कॉलेज में, तो क्या हुआ नहीं कि उसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके मतलब पता चल गया कि ऐसा ऐसा है मेरा बोल के, तो मैं भी तो उससे नहीं बोल सकता था ना कि यू आर माय क्रश ऐसा बोल के, ना रिलेशन में हो गया ना क्रश को छोड़ के किसी और के साथ, तो ऐसे ज्यादा तो नहीं टिका, फिर भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ मतलब सुन लो, तो ज्यादा दिन नहीं टिका, तकरीबन 3-4 महीना जैसा, हाँ वैसा ही था, 4 महीना जैसा साथ में हमने मतलब बिताए, तो बहुत ही अच्छा वाला मतलब मोमेंट था तब भी तो बिताए, और ना जाने कैसे मतलब कास्ट को लेके ना, हाँ कास्ट को लेके ब्रेकअप हो गया। मैंने सोचा कि अरे तो होता है, अच्छे के लिए होता है, तो मैंने मतलब भूल दिया ना उसको, वो भी मुझे भूल गई, तो मैंने भी उसे बुला दिया, ट्राई किया, फिर जो हो गया भूल गया फाइनली, तो वो जो थी मतलब उसने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है उसने कॉलेज को छोड़ दिया, तो वही था, फिर से पता चल गया था ऑलमोस्ट सभी दोस्त लोगों की ऐसा हो गया बोल के, कोई नहीं तो जो हो गया सो हो गया बोल के मैंने भी मतलब छोड़ दिया ना, तो और तभी नज़र पड़ी ना मेरा नज़र तभी पड़ा क्रश के ऊपर, ठीक है, तब से क्या हो गया, जब से मेरा ब्रेकअप हो गया ना उससे, वो मतलब रोज कॉलेज आने लग गई, तो मैंने सोचा कि तेरा ही कुछ हाथ था इसके साथ, किसी और के साथ रिलेशन में आने का और फिर ब्रेकअप होने का। 2-3 हफ्ता जैसे समय क्या हुआ कि मेरा जो दोस्त आ रहा उसने ही मतलब ना यार सोचो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी क्रश को ना कोई तुम्हारा दोस्त ही पटा लेता है या पटा लेगा तो कैसा होगा, ठीक मेरे साथ भी ना ठीक वैसा ही हुआ, मेरा जो दोस्त था हम लोग साथ में बैठते थे यार, हर दिन साथ में बैठते थे, मतलब कुछ भी होने से हम लोग शेयर भी करते थे, मैंने उसे बोला भी था यार चीज में क्रश बोल के, अब मतलब वो बहुत मतलब वो इतना चूतिया कि क्रश से बोल के मालूम था, फिर भी क्या किया उसने, उसको मतलब मेरा क्रश को मेरा दोस्त ने ही उड़ा लिया, मतलब यानी कि फटा लिया।
तो इससे दुख की बात क्या हो सकता है। तो बुरा लगा उन्होंने सुन के मुझे, पहले दोस्त ने नहीं बताया ठीक है, तो ऐसे मतलब दोस्त लोगों का मुँह से मैंने सुन लिया कि ऐसा ऐसा है बोल के, तो थोड़ा सा बुरा लगा। और छवि मतलब उस मेरा दोस्त के साथ मेरा गर्लफ्रेंड और मेरा दोस्त के साथ मेरा क्रश का जब मतलब रिलेशन हो गया ना उन दोनों का, तो मतलब कुछ और ही चल रहा था यार, मैं देख ही नहीं पा रहा था। मुझे ना मतलब जेलियस टाइप का वो जेलियस तो नहीं हो रहा था क्योंकि दोस्त था, थोड़ा सा मतलब बुरा सा लग रहा था ठीक है, थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो मैं कर भी कह सकता था ना, मैंने तो नहीं बोला उसे, इसी मौके को फ़ायदा उठा के मेरा दोस्त था उसको बोल दिया मैंने, लेकिन उसे बोला भी था कि इज माई क्रश बोल के वो भी चुतिया निकलाना कोई बात नहीं चलो। और उन लोगों का भी ना मेरा जैसे वो ठीक है, मेरा जैसे वो ठीक, तकरीबन हम पहला सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर तक पहुँचे, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उन लोगों का मतलब होता है ना कि मिलजुल नहीं हो रहा था, बंद हो रहा था, लॉकडाउन था पहले का, कोरोना का लॉकडाउन था, तो मतलब मिलजुल नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे करके ना कैसे करके मतलब नया रिलेशन था ना, तो नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा नहीं मालूम क्या हो गया दोनों के बीच में, तो ब्रेकअप हो गया। हाँ ब्रेकअप हो गया। अब मुझे नहीं मालूम अंडरस्टैंडिंग में हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोला है दोस्त ने कि ब्रेकअप हो गया बोल के, बाद में मालूम पड़ गया ना, तो वो तो ऑब्वियसली बोलेगा ही कि ब्रेकअप हो गया बोल के। मुझे ना अंदर से ना इतना खुशी मिल रहा था ना, वो मैं मतलब नहीं बोल पा रहा था उससे। मैंने बोला कि अरे बहुत बुरा लगा यार सुन के, लेकिन वो जो मुझमें मतलब मुझमें जो खुशी था ना, मतलब मैं बयां नहीं कर रहा था, बयां कर नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला अरे यार बुरा लगा यार सुन के, ऐसे बोला था। मुझे तो बहुत ही अंदर से जो है खुशी ही मिल रहा था कि सही, क्योंकि सही किया तूने, मतलब तेरा साथ सही हुआ। तुझे जब तुझे पता था तेरी दोस्त की ही वो क्रश से बोल गया और तू उसी को हटाने चला गया और पट भी गई। हाँ कोई नहीं। और जब मतलब लॉकडाउन खुल गया ना, तो मैंने मेरे क्रश से बात करने का मतलब कोशिश किया। पर इतनी प्यारी लड़की, इतनी खुश लड़की, कैसे प्यार नहीं होगा मतलब। सो ऐसे जाके थोड़ा कॉन्वर्सेशन करने लग गया कि हाई हेलो कैसे हुआ, मतलब कहाँ से वापस है बोल के, जबकि मुझे सब उसके बारे में मालूम हो गया दोस्त का थ्रू। मैंने फिर भी जाके पूछा ऐसा ऐसा बोल के, मतलब वो भी मुझे सब कुछ बोलने लगी। और मैंने उसे मतलब मैं उसे पूछता कैसे ना सब कि वो मेरी क्रश थी, है अब तब तक है थी मतलब, और अभी भी मतलब अभी नहीं बोलने वाला, अभी से क्या मतलब है ना, बहुत तेज हो रहा है। हाँ 2.5 years हो गया ऑलमोस्ट ये बात कुछ होता, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कर दिया यार बस ऐसे ही वाला, मतलब जो फील हो रहा था वो अंदर से निकल रहा था तभी, क्योंकि मेरा दोस्त भी ना कॉलेज नहीं आ रहा था, तो जा रहा है तो जो हो गया सो हो गया, मतलब जो हो गया सो हो गया बोल रहा था कि तू नहीं समझेगा, क्योंकि जबकि मतलब मुझसे ज़्यादा कौन मतलब और कैसे समझ सकता कि ब्रेकअप जो हो गया, तुझे दुख हो रहा है मुझे खुशी हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था ठीक है। उन लोग रिलेशन में था ना, थे ना मतलब, तब मैं एक बात से कंफ्यूज हो रहा था कि मैं मेरी क्रश को क्रश बोलूं कि मतलब भाभी बोलूं, तो ये थोड़ा डाउट चल रहा था। लेकिन अब तब तक मतलब क्लियर हो चुका था जब लॉकडाउन हो गया, तो कॉलेज खोलने लगा, रोज आने लगे, और हम क्रश और मेरी ना बातें चलने लग गया थोड़ा, मतलब कुछ अलग सा मालूम ना तुम लोगों को कैसा होता है जब क्रश ही तुमसे बात करने लगे, उसका मतलब पास्ट का जो बातें है तुम्हें शेयर करने लगे, थोड़ा सा बना के इधर से जोड़ के थोड़ा सा मतलब मिक्स करके मैं भी कुछ ऐसे बोल देता था, तो
मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है सच से या झूठ है, ठीक था। तो वो मतलब जब जब हम लोग पूरा क्लास में रहना, जब मतलब अच्छा दोस्त टाइप का हो गया हम लोग ना, दोस्त टाइप का हो गया मतलब रोज हम लोग का बात होने लग गया, अच्छा भी लग रहा था और दोस्त की तरफ से थोड़ा बुरा तो नहीं रहा, एकदम से बुरा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये चूतिया के साथ ये होने वाला था, क्योंकि उसको पता था ना कि मेरी क्रश से बोल के फिर भी वो बीच में घुस गया, ये बहुत बुरी बात है यार। तुम भी ऐसा मत करो, अगर तुम्हें पता हो कि ये वो तुम्हारी जिसे तुम पटाने वाले हो वो तुम्हारा तुम्हारी या तुम्हारा मतलब बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड का क्रश से बोल के, तो ऐसे बीच में ना टांग मत लड़ाओ, ठीक है। तो ऐसे ही हल्का हल्का सा बात होने लग गया हम लोगों का, तो हम वो मुझे मतलब शेयर करने लगी, मैं भी बना बना के थोड़ा बड़ा शेयर करने लगा, क्योंकि मुझे इम्प्रेशन करना जो था उसे, तो अभी तो बहुत फ्री है यार मुझसे। और हाँ मतलब ऐसा मत करो ठीक था, तो मतलब अभी हम लोग का जो फ्रेंडशिप हो रहा है मतलब क्लास हुआ मेरा बहुत ही अच्छा अच्छा तरीके से हो रहा है। और मैंने ना एक दिन उससे बोला था कि मतलब फ्लो फ्लो में ना बात बात में आके मैंने उससे बोल दिया कि यार तुम मेरी क्रश हो, तो फिर क्या था उसने कहा ऐसा कुछ लड़की का जो हरकत होता है ना इसी तरह से, उसने ऐसा रिएक्शन किया मुझे इतना हंसी आ रहा था। तो मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा था कि यार वो मुझे मेरी मजाक तो नहीं उड़ा रही है ऐसा से कुछ करके। अब तो हम मतलब बेस्ट फ्रेंड से भी बेस्ट फ्रेंड तक है जैसा लगता है मुझे, तो वो भी ऐसे बोलती है, तो वही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यार बारिश भी होने लग गया, मैं नीचे मेरे जहाँ वीडियो बनाता था वहाँ से थोड़ा साइड में आया हूँ क्योंकि ये घर का सामने ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना दोस्त के साथ जो दोस्त ऐसा किया है आपका साथ, ठीक है। तो हाँ, और अगर किसी मतलब ऐसे कुछ रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मतलब जो दुर्घटनाएँ हुआ है मेरे साथ, हाँ मैं पक्का एक्स के बारे में भी मैं दूसरा वीडियो बताने वाला हूँ, तो बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए प्लीज़ कमेंट करना। और इस वीडियो में हम एम रखते हैं तो लाइक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो